what do you see the role of an artist in politics and politics in artist? आपकी क्या definition है? Both are interdependent है. जी जी. अगर मैं artist नहीं होती, I would have not been very popular in politics. क्योंकि politics में you need name, you need a good profile. तो वो सब मुझे thanks to you know Indian cinema. मुझे एक स्टेटस और एक पॉजिटिव फील लोगों के बीच में मुझे ले गए. इसलिए मुझे पॉसिबिलिटी इसलिए हुआ है कि मैं पैदाइश आंध्रा की थी, आंध्रा की हूँ, लेकिन माय पॉलिटिक्स, सीरियस पॉलिटिक्स लाइक कंटेस्टिंग लोकसभा एंड ऑल इन यूपी. बताइए. आई डोंट थिंक सो इट इज पॉसिबल फॉर यू नो. या सो दिस इज द रीजन ये यू नो बॉलीवुड इज हेल्प मी एंड थैंक्स टू ऑलमाइटी दैट ही हैज गिवन सच ए गुड अपॉर्चुनिटी टू गिव बैक टू द सोसाइटी. कि मैं क्या दिया वापस सोसाइटी के लिए. हाँ, तो इट वॉज ए बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मी. So, your reason to go to politics was also to be able to serve and to give back what you have got, the fame, the name, the money, everything you got. See, I am not a very, you know, daring lady. I used to be very soft, docile kind. मेरे जो characters जो भी मैं करती थी वो भी ऐसे ही है, घरेलू है. So, every house I am there. किसी के बेटी हूँ, किसी के बहू हूँ, किसी की माँ हूँ. सो टोटालिटी में मुझे एक्सेप्टेंस है. बट हमेशा मैं सोचती थी कि गरीबी कैसी होती है. आई नेवर सीन पावर्टी. तो जब मैं डायरेक्टली मैं लोगों के बीच में आना शुरू किया था तो मुझे ऐसा लगा कि इट्स ए वास्ट डिफरेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द रियलिटी. तो मुझे अपॉर्चुनिटी दिया गया एंड टू सर्व द डाउन ट्रॉडन पीपल. देखिए, हमारे इंडस्ट्री में भी बहुत सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट, चाहे अमिताभ बच्चन जी हो, शत्रुघ्न सिन्हा जी हो, विनोद, सब पॉलिटिक्स में आए थे, राजेश खन्ना जी भी हो, बट दे ऑल वेंट बैक बिकॉज उनको वो डिसिल्यूशनमेंट हुआ. बोले कि ये जो रियलिटी आप जिसकी बात कर रहे हैं, जो गरीबी आपने जो नहीं देखी थी, आप उससे डायरेक्टली रूबरू हो, आपको इंस्पायर किया. आप लोकसभा राज्यसभा दोनों में आप थे. वो लोग थोड़े उनका कहना है कि वो स्क्रीन में ही ठीक है, वो कर नहीं पाए. आप में क्या था जिसकी वजह से आप वो सब छोड़ के आपने एकदम एक कूद गई ना एक चीज़ में जो बहुत टफ है, जिसमें इतना ग्लैमर नहीं है, जिसमें इतना वो नहीं है, एंड इसमें सर्विस ओरिएंटेड है. वहाँ पे हम लोग, मैं भी आर्टिस्ट हूँ, तो हम लोग बैठते हैं, हमें मेकअप होता है, हम डायलॉग्स बोलते हैं, हम चले जाते हैं. पर मेरे हस्बैंड, चूँकि वो भी थोड़े से पॉलिटिकली इन्वॉल्व्ड है, मैंने भी 3 इलेक्शंस देखे हैं, कहाँ खाने को मिलता है कुछ नहीं पता चलता, कौन क्या है, कॉटन साड़ी पहन के घूमते, तो वो एक चॉइस होती है. वॉट आपको वो, किस चीज़ ने आपको वो प्रोपेल किया उस चॉइस लेने के लिए? आपके अंदर क्या था वो? एक्चुअली आई हैव नो आइडिया अबाउट द पॉलिटिक्स. एंड NTR was in a dilemma. उनके पावर जाने के बाद अ सिंगल फोन कॉल मेड मी टू कम टू हिज पार्टी NTR के, जो TDP तेलुगुदेशम पार्टी. बिल्कुल. उन्होंने सुबह 5 बजे फ़ोन कॉल आया मुझे कि जया जी, आप प्लीज़ आप आओ थोड़ा सा मेरे को प्रचार में, आप शामिल हो जाओ. देन आई हैव नो आइडिया बिकॉज आई वॉज इन ए वेरी पीक यू नो आर्टिस्ट, मतलब सेलिब्रिटी. तो आई हैड ए ग्रेट रिगार्ड्स फॉर NTR. तो मैंने कुछ भी सोचा नहीं है एंड ऑल माई प्रोड्यूसर्स वर अलर्टिंग मी कि मत करो ये सब, क्योंकि इतना टॉप में हो, आप पॉलिटिक्स में जाओगे तो यू नो प्रोड्यूसर्स का भी तकलीफ होने वाला है. बट आई नेवर थॉट ऑफ इट कि पॉलिटिक्स इतना इंटेंसिवली आई विल यू नो गो इन टू दिस. हाँ, वही मैं जानना चाहती हूँ. उसमें मतलब आप जो घुसी, जैसे वो लोग घुस के निकल आए, आप सस्टेन्ड है, वो क्या है आप में, क्या है आपकी नेचर में, आपके कैरेक्टर में क्या है जिससे आप अभी भी यू नो? क्योंकि इसलिए कि जो सर्कमस्टेंसेस को मैंने पॉलिटिक्स में फेस किए वो मुझे और मजबूत बना दिया. यू नो लाइक पॉलिटिक्स में विमेन को किस तरह
कैरेक्टर को डिमोरलाइज करने के लिए यू नो असैसिनेशन ऑफ कैरेक्टर एंड यू नो मॉक फोटोग्राफ्स घुमाना देन यू नो लोगों को क्या क्या नहीं किया है जेंडर बायस पूरा उससे मुझे और यू नो आई बिकम वेरी स्ट्रांग नॉट ओनली इन फिल्म्स बट ऑल्सो अ ट्रू पॉलिटिक्स आई हैव सीन अ इनर अगली पॉलिटिक्स आर यू हैप्पी विद योर कॉन्ट्रीब्यूशन आई एम हैप्पी बिकॉज पीपल दे इलेक्टेड मी उनका कोई कसूर नहीं है एंड दे लव मी सो मच बिकॉज ऑफ देम आई बिकम यू नो लोकसभा मेम्बर एंड मुझे उनके मुद्दों को उठाने का एक मौका मिला बट इट वॉज वेरी वेरी टफ आई हैव रियलाइज दैट कि पॉलिटिक्स में विमेन को सबसे पहले हम लोगों को कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं सो दैट डर के आप घर पर रह जाओ एग्जैक्टली एंड दे डोंट गिव एनी अपॉर्चुनिटी प्रचार करने के बाद व्हाट इज नेक्स्ट यू नो उसके बाद हमारा रोल खत्म फॉर द फिल्म वो लोग करेंगे प्रचार के लिए यूज करेंगे उसके बाद क्या करते हैं सो ऑल दिस थिंग्स डिप्रेशन के बाद भी हम लोग सस्टेन कर सकते हैं देन यू आर देयर व्हाट पावर दैट इज व्हाट आई एम सेइंग नॉट जस्ट मेकअप करके ग्लैमर डॉल टू सस्टेन इन अ मेल वर्ल्ड आपको मेल वर्ल्ड में हो ना मेल गेज है ना आपके ऊपर आपको कैसे वो देखते हैं ऑब्जेक्टिफाई करके आपको भी क्योंकि आप खूबसूरत हैं तो ये सब चीजें तो एंड यू हैव स्टूड दैट सब लोग पूछते थे कि आप इतने सुंदर क्यों लगते हो पॉलिटिक्स में हो तो तुम आप ग्लैमरस साड़ी क्यों पहनते हैं मैंने ये कहा था कि पॉलिटिक्स में ये नहीं लिखा है कि डोंट लुक ग्लैमरस और डोंट लुक ब्यूटीफुल यू नो आई यूज टू फाइट ऑल दिस थिंग्स इन बिकॉज भगवान ने मुझे सुंदर बनाया तो इसका मतलब नहीं है कि मैं घर पे ही बैठे रहूं यू नो हेमा जी भी एंड आई वॉन्ट टू रिप्रेजेंट मेरे जैसे कितने लोगों को कितने विमेन दे आर सफरिंग with this consciousness of this beauty yes so I want to break the ties main padhai ke liye isliye focus kiya tha kai bacche padhai nahi kar pate ladkiyan jo hain concept hi nahi hai kuch logon ke liye b sector mein jao c sector mein jao koi kisi ko padhai nahi are beti hai to usko 8va pad liya and then shaadi kara ke bhej denge but I broke that maine colleges shuru kari I opened जयप्रदा चैरिटेबल ट्रस्ट नर्सिंग टीचर्स अब हम डिफामा खोल रहे हैं वाओ सो दैट एक प्रोफेशनल कोर्सेस उनके लिए ताकत बने दे कैन स्टैंड अप वो ब्यूटिफुल विच ब्रिंग्स मी टू अनदर स्मॉल लिटिल क्वेश्चन व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ अ गुड लाइफ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन व्हाटएवर यू वांट टू उसका एड्रेस मुझे पता नहीं ढूंढती है आई थिंक यू नो वन हैज़ टू स्ट्रगल फॉर एवरीथिंग वेदर इट इज़ पॉलिटिक्स वेदर इट इज़ फिल्म्स माई आइडेंटिटी इज एज अ जयप्रदा इज अ ब्यूटिफुल डांसर जयप्रदा इज अ ब्यूटिफुल आर्टिस्ट तो नेवर कम्स अ गोल्डन प्लेटर सक्सेस ऑलवेज कम्स विद द स्ट्रगल सो आई लर्न दैट वन हैज़ टू स्ट्रगल देन ओनली यू गेट द पेडेस्टल Okay, and are you still in that process? You think life is still a constant struggle, or have you it's, somehow it's learning reached? Process. Achha. I have not seen anything good, whatever it is there. It is a struggle. अगर आपको नेता बनना हो तो लोगों के दिल जीतना है अगर आपको आर्टिस्ट के रूप में आपको पहचानना हो you have to struggle. मैं जब हिंदी सीखती थी लोग कहा कि ये गुंगी गुड़िया है तो आई ब्रोक द टाइस कि आज मैं हिंदी बोल सकती हूँ एंड मैं मतलब इसको मैंने सीखा क्योंकि मॉर्निंग द ट्यूटर यूज टू कम माई टीचर यूज टू कम अराउंड 5 o'clock क्योंकि 7 o'clock का हमारा शेड्यूल होता था शूटिंग का तो 5 o'clock यूज टू कम मैं सितार सीखती थी मैं वीणा सीखती थी प्लस उर्दू सीखती थी एंड द टीचर यूज टू कम ऑन द सेट्स डायलॉग सिखाते थे मुझे उर्दू सिखाते थे देन मैं उत्तर प्रदेश में अगर मुझे राजनीति करना हो तो हिंदी सीखना ही है एंड हिंदी एवरीवेयर इट इज देयर इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी टुडे आई एम कंफर्टेबल बिकॉज लैंग्वेज
You did the work then. Yes. So you did the hard work then. Yeah. So, do you have a struggle between being an actor and a politician? Is there any dwand with you, or you're comfortable with that? There are two different tracks. हाँ वही वही है ना वो बताइए. I am used to red carpet welcome. I used to be पुरस्कार सम्मान ये सब awards. The moment you go down, they will try to malign your respect and the your name. First of all, you have to be prepared with that. वहाँ पे का रेड कार्पेट नहीं होता है, वहाँ पे गरीबी होती है, भूख होती है. सो यू हैव टू बेयर दैट. वही आप मतलब व्हेन आई एम लाइक दिस आई कैन नॉट गो टू द कॉमन पीपल एंड से कि आप प्लीज रो मत. यू हैव टू ओन देम अप ना. देन ओनली आई थिंक अगर माँ को हम गले क्यों लगते हैं, उतना प्यार हमको गरीबी में उन लोगों को देना है जो नसीब नहीं है उनके लिए. सो आई फेल दैट समहाउ आई हैव ए फीलिंग फॉर देम फ्रॉम द बिगनिंग. अदरवाइज यू कांट दे एक्टिंग तो कर नहीं सकते इतने टाइम तक. यस है ना आपके अंदर. तो वो कहीं वो एक्टर जगा हुआ है और पॉलिटिशियन आई वोंट से पॉलिटिशियन आई द पर्सन हु लव्स टू सर्व अदर्स वो दोनों अलाइव है. देखिए ऐसा है ना, हमेशा लोगों को कहना होता है या अपोजिशन वाले कहते हैं अरे अभी भी वो फिल्म्स कर रही है, अभी भी वो एक्टिंग कर रही है. बट व्हाई a lawyer can do the lawyer profession and then but come be a politician. Yeah, why can't actor? Why can't the actress or actor can come into the films or politician? तो ये proved है, जयललिता जी है, NTR है, MGR है, ये सारे actor. Yeah, हाँ, अपने there are so many people. So this is a proved, मतलब लोगों के लिए क्या चाहिए, हम नजदीक से देखने के लिए एक ये मन चाहिए. वो सिर्फ ग्लैमरस मंच से ही होगा. पीपल दे वोन यू अप देन दे विल लिसन कि आप क्या सुनना चाहते हो, क्या सुनाना चाहते हैं. सो अगर आपको पता यू मतलब इफ यू रिकॉग्नाइज दैट पेन, इफ यू फील दैट पेन, दे विल ओन यू अप. That is what I feel. And you feel the pain from inside. So yes. That's why you were able to be successful. Yes. A lot of those seniors I was telling, they just went because they wanted to experiment. कि भई हम actors हैं इतने बड़े, देखते हैं वो side क्या है. But you sustained it. So Jayaprathyaji, that's a very big thing, and we are very proud to have you as a woman who understands these things and the belief that beauty is not skin deep. It's just something so beautiful that being a woman, being Shakti, being able to, मतलब be all the goddess, you know, the beautiful goddess who's also a mother. So I think it's a beautiful chat with you. आपसे मिलना बहुत अच्छा लगा मुझे. Thank you so much. I mean, yeah, it's really such a pleasure.